पार्ट वन में हमने देखा था कॉलेज में डाइवर्सिटी कितनी है, अब पार्ट टू में हम देखेंगे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एज यू एंटर द कॉलेज, सबसे पहले आपकी नज़र जाती है कॉलेज की आन बान शान पे, वॉल ऑफ फेम, ये मेरे सामने देख सकते हैं आप। और वॉल ऑफ फेम का लेफ्ट साइड में है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक मेनली हमारी सारी जो मेन क्लासेस होती हैं वो ए ब्लॉक में लगती हैं, और ए ब्लॉक के नीचे साइड प्रिंसिपल ऑफिस है, और पीछे की तरफ थोड़ा यहाँ जाके कॉलेज का मेन ऑडिटोरियम जो बहुत बड़ा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1000 से ऊपर है। जितने भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में सारे ऑडिटोरियम में होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से लेके पॉलिटिशियन तक सब यहाँ आते हैं। यह है कॉलेज का मेन बिल्डिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं हंसराज कॉलेज, और इस बिल्डिंग की लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा ए ब्लॉक है, वहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक पूरा ए ब्लॉक। ये है ए ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर। सो अभी आप क्लास का टूर देता हूँ, रूम कैसे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बड़ी क्लासें होती हैं, 80-100 बच्चे होते हैं इस क्लास में, और हर क्लास में एसी होते हैं। जैसे इस क्लास में 4 एसी हैं, और एक वाइट बोर्ड भी होता है, एक ग्रीन बोर्ड भी होता है, ये टीचर पे डिपेंड करता है टीचरों को किस पे पढ़ाना है। और देख सकते हैं आप कॉलेज की क्लासें बहुत स्पेशियस हैं, और यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को बैठने में। आफ्टर ए ब्लॉक हियर कम्स बी ब्लॉक, जहाँ पर बेसिकली साइंस वाले कोर्सेज की क्लासेस होती हैं। ये है बी ब्लॉक। ये ब्लॉक पूरा साइंसेस को, साइंसेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे मैथ्स, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इस बिल्डिंग में, बी ब्लॉक में। यहाँ लैब्स हैं, यहाँ बच्चों की लैब्स होती हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। सो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा हर किसी डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ के प्रोफेसर बहुत ही वेल एजुकेटेड, फॉरेन से मास्टर्स करके आए हैं, और अपने आपने इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, इतने अपने आप में उनका ज्ञान का भंडार है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वो बताते बताते नहीं थकेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कॉलेज की मेन लाइब्रेरी। इसमें दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पूरा डेडिकेटेड है बच्चों को, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बुक आप बुक इशू करा सकते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो मेनली स्टाफ रूम की तरह यूज़ होता है, जहाँ स्टाफ भी बैठता है और छोटा सा इलाका जो बच्चों के लिए भी बैठने के लिए है। सो अब हम चलते हैं एल पी पे। ये है फेमस लवर्स पॉइंट LP, यहाँ स्टूडेंट्स चिल करते हैं आफ्टर क्लासेस। अभी यहाँ पे भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेन कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, जो डे स्कॉलर्स हैं उस, और जो पीजी में रहते हैं वो शाम तक ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक कॉलेज खाली हो जाता है। ये एक नेस्कैफे का छोटा सा केओस है, जहाँ पे नेस्कैफे के सारे, नेस्कैफे ब्रांड के सारे आपको कॉफीज, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी सब मिलेंगे आप। ये अब आता है कॉलेज का जो नया अभी बना है ब्लॉक, सी ब्लॉक। इस ब्लॉक में दो फ्लोर हैं, पहला फ्लोर पूरी क्लासेस है, सेकंड फ्लोर भी क्लासेस है कुछ, लेकिन सेकंड फ्लोर में एक मेन स्टाफ रूम है, और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे सेमिनार, दो सेमिनार रूम है, एक ओल्ड सेमिनार रूम और एक न्यू सेमिनार रूम उस तरफ है, और एक यहाँ पे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है और स्पोर्ट्स रूम भी इधर ही है। फिर इसके हमारे राइट साइड में आता है कॉलेज का मेन ग्राउंड। इस ग्राउंड में क्रिकेट की पिच है, फुटबॉल का भी, फुटबॉल के लिए भी बना रखा है, और यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है। सो यहाँ पे आपको सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, बस आपको कॉलेज का आईडी कार्ड देना पड़ता है। और अभी आते हैं हम हॉस्टल की तरफ। ये मेरे पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, ये अभी अभी फंक्शनल हुआ है 2 साल पहले, और ये मेन कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल जो 1990s से है और अभी तक चल रहा है, जिसमें आप 180-200 बच्चे रहते हैं, और ये हॉस्टल की मेन रोड है, इसको प्यार से सब प्रेम पथ कहते हैं। और ये कॉलेज में दो गेट होते हैं, एक मेन गेट है और ये हॉस्टल के, दोनों गेट से एंट्री होती है। तो ये था पार्ट 2, जिसमें हमने दिखाया कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पार्ट 1 भी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने दिखाया था कॉलेज की डाइवर्सिटी के बारे में। हमने बच्चों से उसके अंदर CUET का स्कोर पूछा था, उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस पूछा था, कॉलेज कैसा लग रहा है उनको, फैकल्टी कैसी है, सब उनको पूछा था हमने। तो ऐसी और भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है दूसरे दूसरे कॉलेज की, SRCC की वीडियो भी पड़ी है, DRC की वीडियो भी पड़ी है, रामदास की वीडियो भी पड़ी है, तो उसको भी चेकआउट करिए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।